हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पेशल रसोई। आज की वीडियो कम्प्लीटली डेडिकेटेड है काले नमक के ऊपर। जी हाँ, मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि मैम काला नमक क्या हम व्रत में खा सकते हैं, काला नमक होता क्या है। तो आज सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि काला नमक एग्जैक्टली होता क्या है। देखिए, काला नमक बिल्कुल वही नॉर्मल और साधारण नमक होता है जिसे हम अपने डेली रूटीन में खाते हैं। बस इसमें होता क्या है कि इसमें हरड़ के बीजों को डालकर उन्हें उबाला जाता है, इसलिए उसका रंग हरड़ की वजह से ब्लैक हो जाता है। काले नमक को बनाने के लिए नमकीन पानी में हरड़ के बीजों को डालकर उन्हें बहुत बार उबाला जाता है। उबलने के बाद पानी तो भाप बनकर उड़ जाता है और जो लास्ट में बचता है वो मिलता है क्रिस्टलीय नमक जिसका रंग काला होता है, इसलिए इसका नाम काला नमक है। जब इसे पीसा जाता है तब इसका पाउडर गुलाबी हो जाता है। जब ये बड़े बड़े पत्थरों के रूप में होता है तब ये बिल्कुल ब्लैक कलर का होता है, बट जब इसे पीसा जाता है तो वो हल्का गुलाबी रंग का हो जाता है। हमारा नेक्स्ट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या हम व्रत के दौरान काले नमक का सेवन कर सकते हैं। जी नहीं, हम व्रत के दौरान काला नमक बिल्कुल भी नहीं खा सकते, क्योंकि काले नमक को शुद्ध करने के लिए, प्योर करने के लिए एंटीकॉकिंग एजेंट और ट्रीटमेंट जैसे कई केमिकल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इसलिए व्रत में जो हम खा सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सेंधा नमक है। काले नमक का यूज़ हम व्रत में बिल्कुल भी नहीं कर सकते। सेंधा नमक हमें डायरेक्ट पहाड़ों से मिलता है। सेंधे नमक को किसी भी केमिकल प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ता। सेंधा नमक नमक की बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म है, इसलिए उपवास के दौरान आप साधारण नमक या काले नमक का यूज़ नहीं कर सकते। आप सिर्फ और सिर्फ सेंधे नमक का ही यूज़ करें। आयुर्वेद के अनुसार खाना खाने के बाद अगर आपको पेट में भारीपन महसूस होता हो तो गर्म पानी में एक चुटकी या दो चुटकी काला नमक मिलाकर इसे चाय की तरह घुट घुट पिएं, यानी सिप सिप करके पिएं, तो इससे आपका जो खाना है वो आसानी से हजम हो जाता है। साथ ही आपकी बॉडी का जो एक्स्ट्रा फैट है इसे भी वे बर्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काले नमक को हम किस किस प्रकार से खा सकते हैं। देखिए, पेट में दर्द या मरोड़ में राहत पाने के लिए काला नमक और अजवाइन का सेवन किया जाता है। दोनों को मिक्स करके आप गर्म पानी से खाएं, आपको एकदम से राहत मिलेगी आपके पेट दर्द में। काला नमक हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाता है, इसलिए सलाद में काले नमक को यूज़ किया जाता है। हम सलाद, रायते में काले नमक को यूज़ करते हैं क्योंकि वो हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता और गैस जैसी प्रॉब्लम्स में भी हमें राहत देता है। देखिए, काले नमक के फायदे तो मैंने आपको बता दिए, बट बहुत ज़्यादा मात्रा में इसे यूज़ करने से इसका नुकसान भी हो सकता है। तो आइए इसका नुकसान जान लेते हैं। देखिए, काले नमक में सोडियम की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसलिए इसका ज़्यादा अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारी बॉडी में क्रिस्टल बनने लगते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में पथरी हो जाती है। और क्योंकि इस नमक में आयोडीन की मात्रा बहुत ही कम होती है तो अगर हम इसको ज़्यादा खाते हैं तो हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी होने लगती है। आई होप काले नमक से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए यूजफुल रहे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन, और अगर आप पहले से मेरी वीडियोस देखते हैं तो थैंक यू वेरी मच। मैं कुकिंग से रिलेटेड बहुत सारी न्यू रेसिपीज़ की वीडियोस और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू।